हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो कि टैली प्राइम की होने वाली है, मैक्सिमम कंफ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी, चाहे वो जीएसटी अप्लाई करने की कंफ्यूजन हो, चाहे वो अन्य कंफ्यूजन हो जो कि आप टैली ईआरपी 9 में करते थे। अब बहुत सारे व्यूअर का ये सवाल है कि क्या हम टैली ईआरपी 9 यूज कर रहे हैं तो अब हमको प्राइम भी सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीजें सेम ही हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टीडीएस वगैरह का थोड़ा डिफरेंस है और शॉर्टकट कीज और चीजें इधर उधर कर दी गई हैं। अब देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। कुछ चीजें आसान भी बना दी गई हैं हमारे लिए। अब ये देखिए, ये जो है हम टैली के जो गेटवे ऑफ टैली है उसके मेन मेन्यू पर है और यहाँ पर एक कंपनी पहले से हमारे पास है, रामा एंटरप्राइजेस, लेकिन हम एक नई कंपनी बनाने वाले हैं। तो आपको कीबोर्ड से नई कंपनी बनाने के लिए सिर्फ प्रेस करना है F3। F3 प्रेस करते ही यहाँ पर आएगा क्रिएट कंपनी, यहाँ क्रिएट कंपनी पर जाकर के और एंटर प्रेस करना है आपको, ठीक है। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाली फॉर्म जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डिफॉल्ट पाथ जो है शो कर रहा है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यही रहने देता हूं। यहां पर आते हैं, यहां पर हमें कंपनी का नाम देना है, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं सूरज एंड सन्स, ऐसे एक नाम दे देता हूं कंपनी को और एंटर प्रेस करता हूं। मेलिंग नेम सेम रहेगा, यहां पर आ जाएगा न्यू कॉलोनी देवरिया, यानी एड्रेस आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट जो है चूज करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। तो यहाँ यू प्रेस करता हूं तो स्टेट भी आ जाएगा, ये आ गया स्टेट। अब यहाँ पिन कोड डाल लेता हूं अपने जिले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो ये पिन कोड हमने डाल लिया। एंटर प्रेस किया और यहाँ ईमेल आईडी वगैरह अगर है तो डाल दीजिए। चूंकि हम इंडिया में रहने वाले हैं तो यहाँ पर इंडियन करेंसी का सिंबल आ रहा है, आप जहाँ कहीं के भी रहने वाला हूँ वहाँ का सिंबल लीजिए। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है, लेकिन आपका काम कब से शुरू हो रहा है वो चीज यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए काम हमारा 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 2/4/2020 यहाँ पे हमने कर दिया है, यानी 2 अप्रैल 2020। अब ये कंपनी हमारी हो गई क्रिएट, लेकिन अभी हमने इसमें किसी भी वाउचर में एंट्री नहीं की है, ठीक है। तो यहां से बाहर आ जाते हैं और ये जो पुरानी कंपनी है रामा एंटरप्राइजेस, इसको बंद भी करना है। तो बंद कैसे करेंगे, तो यहां कंपनी पर जाएंगे और यहां दिया हुआ है शट कंपनी, तो यहां पर आपको कर देना है जाकर के एंटरप्रेस, ठीक है। ये यस करना है, एंटरप्रेस करेंगे तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। अभी इस कंपनी में हमने कोई एंट्री नहीं की है, तो चलिए आइए एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए हमें वाउचर्स में जाना है, सबसे पहले पैसा रिसीव कराना है। अब यहां पर वाउचर्स में आ गए हैं हम, यहां पर जाना है रिसीव वाउचर में, तो यहां से रिसीव वाउचर में आ जाइए। आपका जो मोड है वो अगर सिंगल एंट्री मोड में होगा तो क्या करना होगा, यहां पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है चेंज मोड, तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करिएगा तो यहां डबल एंट्री मोड आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रहा तो आपको कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है, ठीक है। क्या प्रेस करना है, F12 की। सारी सेटिंग्स ऐसी ही रहेंगी, यहां पर यूज क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टेड ऑफ 2/y, इसके जगह आपको y प्रेस करना है, यहां पर एंटर प्रेस करना है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर अगर चाहिए तो y प्रेस कर दीजिए, अगर नेगेटिव कैश पर वार्निंग चाहते हैं तो इसको भी y प्रेस करके यस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पर एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। बाकी सारी सेटिंग्स ऐसे ही रहेंगी, ये देख लीजिए आप सेटिंग को, और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, तो ये इस तरह के मोड में आप भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी हो वो डाल दीजिए, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर जो कुछ भी हो, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करके यहां पर आ गए। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर हमें क्रिएट नाम का एक बटन दिख रहा है, यहां पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में क्रिएट नाम का एक बटन दिख रहा है और नीचे है शो मोर। तो जैसे ही जाएंगे शो मोर पर तो यहां पर कैश आपको दिखाई पड़ेगा, कैश का लेजर पहले भी मैंने बताया था बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो यहां पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट का तो लेजर बनाया नहीं, और रिसीट वाउचर में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहां पर करता हूं मैं कैपिटल अकाउंट, ओके। एंटरप्रेस कर दिया, ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट देखिए आ गया है, एंटरप्रेस कर दीजिए, ठीक है। एंटरप्रेस करने के बाद एंटरप्रेस करते हुए स्टेट चूज कीजिए, यहाँ पिन कोड डाल सकते हैं, जो भी आपका पिन कोड हो वो डाल दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, डिटेल्स भर सकते हैं आप। एंटरप्रेस करते हुए आ जाइए नीचे, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल कितनी यूज कर रहे हैं आप, कितना लगा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए मान लीजिए आप निवेश कर रहे हैं अपने कंपनी में, 10,000, और ये हो गया 10 लाख। एंटरप्रेस किया, यहां पर आ जाएगा कैश, तो आप कैश यूज कर रहे हैं तो कैश लगा लीजिए यहाँ पे, और यहां पर नरेशन आप डाल सकते हैं कि
बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम वर्थ रुपीज इतना इतना इतना, मैंने नरेशन नहीं डाला है। अब बाहर आ जाइए, अगर आप कैपिटल अकाउंट लिख करके रिसीव वाउचर में कैश नहीं रिसीव कराते तो नेगेटिव कैश की दिक्कत आ जाती, क्योंकि कंपनी में कैश होता नहीं, तो आप कैसे करते, ठीक है, बदल सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको फिलहाल कहां चलना है, जीएसटी इनेबल करते हैं सबसे पहला काम। तो F11 की कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, ध्यान रहे कि ये दोनों ऑप्शन आपके पास यस होना चाहिए ताकि सारी डिटेल्स आपके पास शो हो। ठीक है, अब यहां पर इन तीनों ऑप्शंस को आप यस कर देंगे, इसको भी आप यस रखेंगे, यहां भी यस रखेंगे और यहां पर आ जाएंगे यस रखेंगे इसको भी, और यहां पर जैसे ही आएंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इसको यस रखना है, तो ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। कंट्री हमारी इंडिया है, स्टेट हमें संभल कर चूज करना है, हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, आपका जो भी हो वो चूज कर लीजिए। 3 महीने 6 महीने इस तरह का जीएसटी फाइल करने का अगर आपका क्या आपका टर्म है कि आप 3 महीने या 6 महीने पे जीएसटी फाइल करते हैं इकट्ठे, तो आप कंपोजिशन चूज कीजिए, अदरवाइज आप रेगुलर चूज कर लीजिए। मैं रेगुलर चूज कर लेता हूँ, इंटरफेस करता हूँ, 2 अप्रैल से जीएसटी लागू हो रही है, यहाँ जीएसटी आई एन नंबर जो भी आपका हो वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पैन कार्ड से मिलता जुलता एक नंबर होता है, टैली इसको वेरीफाई करेगा, मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं, ईवे बिल अभी नो रखता हूँ, इंटरफेस करता हूँ, इंटरफेस करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, वाई प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ आइटम्स। ठीक है, HSN कोड वाला कॉलम एक्टिवेट कर रखा है, अगर आपके में नहीं एक्टिवेट है तो घबराइए नहीं, कीबोर्ड से F12 की प्रेस कीजिए, और अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां से N प्रेस कर दीजिए, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। कभी कभी जीएसटी के अन्य सारे आइटम्स भी शो नहीं करते हैं, जैसे जीएसटी में जो और भी सारे ऑप्शंस हैं वो शो नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Y प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये ऑप्शंस भी शो होने लगेंगे। देखिए यहां पर ये ऑप्शन भी शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको रखना है टैक्सेबल। ठीक है, HSN कोड वाला ऑप्शन बंद हो गया, यहाँ पर 18% का जीएसटी हम रख रहे हैं। ठीक है, 99% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, इंटरफेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर TDS वाला ऑप्शन भी इनेबल करना चाहते हैं तो आप इनेबल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए, ये हो गया जीएसटी इनेबल। ठीक है, अब दोनों चीजें, हर प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी लगाना और बाय डिफॉल्ट जीएसटी कैसे सेट हो जाएगा वो दोनों चीजें दिखाऊंगा। पहले चलेंगे हम कहां, परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कीजिए और कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दीजिए, या यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर हो वो दे दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, वो डेट आएगी जिस डेट पे आप खरीदारी कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो यहाँ डायरेक्टली कैश लगा सकते हैं। तो यहाँ अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे मैं करता हूँ रामू सी, सी का मतलब मैं पहचान के लिए कर दे रहा हूँ कि ये क्रेडिटर पार्टी है। ठीक है, एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे डालना है सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। तो यहाँ से एस प्रेस कीजिए, ये सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए इसको भी करा लीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया और ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, यहाँ रिसीप्ट नंबर और डिस्पैच थ्रू और ये सब चीजें भी आप डाल सकते हैं, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, एंटर प्रेस किया हमने, अब यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, लेकिन हमें तो परचेज अकाउंट का लेजर दिख ही नहीं रहा है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए आप। परचेज अकाउंट कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पी प्रेस कीजिए, परचेज अकाउंट आ जाएगा। तो ये परचेज अकाउंट कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर अगर डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी और वीडियो में हम डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। ये यहाँ पर आ गए हम, अब हमको यहाँ पर वो आइटम्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, आइटम्स शॉर्टकट की से क्रिएट करना बता रहा हूँ, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको जैसे मान लीजिए हमने बना लिया कीबोर्ड, एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे यूनिट्स बनानी होंगी हमको, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यूनिट भी बना पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए आइटम नाम का यूनिट बना रहे हैं आईटीएम, और यहाँ लिख दिया हमने आइटम। ठीक है, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर पीसेज या जो कुछ भी हो, पैक्स जो कुछ भी हो वो हम कर लेते हैं, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। और अगर आप कीबोर्ड पर अलग से जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर पाएंगे। देखिए वाई प्रेस कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये देखिए ऑन वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे टैक्सेबल, तो यहाँ से टैक्सेबल रख लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हम 21% सेट करना चाहते हैं कीबोर्ड पर, एंटर प्रेस किया, 10.5 के हिसाब से डिवाइड हो गया, एंटर प्रेस किया, ये गुड्स है, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 500 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं, एक की कीमत हमें 70 रुपए पड़ रही है। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये आ गया। अब मान लीजिए अगला आइटम हम बना रहे हैं माउस का,
तो स्टॉक आइटम माउस बना लिया। अब इस पर कोई हम जीएसटी रेट सेट नहीं करेंगे, ठीक है, अलग से नहीं सेट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, बाय डिफॉल्ट जीएसटी रेट इस पे लगा देंगे। तो 500 आइटम इसका भी है और एक की कीमत इसकी भी पड़ रही है 70 रुपए, ठीक है, खरीद रेट। अब यहां पर हमको सी जीएसटी एस जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बनाना पड़ेगा, कारण क्या है कि अगर सी जीएसटी एस जीएसटी का लेजर बनाएंगे तभी तो हम जीएसटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखिए सी जीएसटी, जीएसटी तो इनेबल कर लिया हमने लेकिन लेजर भी तो क्रिएट करना होगा, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है, डाल दिया इसे, ये जीएसटी है, एंटर प्रेस किया, जीएसटी यानी सी जीएसटी सेंट्रल टैक्स, ओके, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ पे देखिए सी जीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया। अब एस जीएसटी की बात कर लेते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, एस जीएसटी कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहां पे करेंगे जीएसटी, अदर कर देंगे तो नहीं आएगा कैलकुलेट होकर, ये स्टेट टैक्स हो गया, एंटर प्रेस किया, यहां से नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर राउंडिंग 3 कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ये दोनों ही कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। यहां पर चाहे तो आप नरेशन डाल सकते हैं, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट करा लिया, तो ये हो गई परचेज वाली एंट्री पूरी हमारी।